जितने भी स्कॉच बाहर हैं जल्दी पहुंचे ताकि कार्य कर लिए। श्री करमचंद जी पहुंच चुके हैं, बेटा तालियां ना बजाएं एक बार। मौन रखते हुए सभी अपने मन में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके, उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो। जैसे थे सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हम सभी युवा संसद प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ संभाग के मार्गदर्शन व निर्देशन में जवाहर नवोदय विद्यालय संधुआ जिला रूपनगर में करवाई जा रही। युवा संसद जो है वो युवा पीढ़ी में लोकतंत्र की बुनियाद विकसित करने के लिए करवाई जाती है और युवा संसद योजना को सर्वप्रथम 1966-67 में आरंभ किया गया था। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। लोकसभा लोगों का सदन होता है और राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आज के निर्णायक मंडल से आप सबको परिचित करवाना चाहता हूं। निर्णायक मंडल में हमारे आज के चेयरपर्सन हैं आदरणीय श्री करमचंद जी, सहायक आयुक्त एनवीएस आरओ चंडीगढ़। तालियां नहीं बजाएंगे बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम राजकीय शोक जो मनाया जा रहा है इस वजह से शांतिपूर्ण ढंग से ही कार्यक्रम को चलाया जाएगा। आदरणीय दूसरे निर्णायकगण हैं आदरणीय श्री बलदेव सिंह जी, प्राचार्य जेएनपी फतेहगढ़ साहिब, और तीसरे जज हैं आदरणीय श्री एसडी शर्मा जी, वेन्यू प्रिंसिपल जेएनपी रोपड़। मैं आज के चेयरपर्सन आदरणीय श्री करमचंद जी से कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद सर। ज्यादा वक्त न लेता हुआ ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स के अनुसार जिस विद्यालय का पहला नाम निकला है वो है जेएनपी किन्नौर और वह अपने अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं। और इसी के साथ जेएनपी किन्नौर अपनी संसद की युवा संसद की अगली कार्रवाई शुरू करें। अध्यक्ष महोदय पधार रही हैं,
of our former colleague, Professor Sarvar Lal Chadha. He was a great
काउंटी